श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, केवल कर्म करने पर तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू जैसे कर्म करेगा ठीक वैसा ही फल मैं तुझे प्रदान करूंगा। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से प्रत्येक जीव को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता चला आ रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्मों का यह फल केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि स्वयं देवी देवताओं को, गंधर्वों को तथा वसु इत्यादि को भी भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी कर्मों का फल भोगने के लिए धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। उसी प्रकार महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को अंतिम समय में अपने ही एक पाप कर्म के कारण तीरों की शैया पर लेटना पड़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं वह सुंदर कहानी, भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा था। महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा महान और पवित्र ग्रंथ है जिसमें कई पात्र हैं। उन्हीं पात्रों में सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने थे। भीष्म पितामह के पिता थे राजा शांतनु और माता थी देव नदी गंगा। महाभारत के आदि वर्ण में वर्णित एक कथा के अनुसार भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में एक गौर नामक वसु थे। एक समय कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। उसी पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि का एक सुंदर आश्रम भी था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन आश्रम में उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी हुई थी। घूमते घूमते गौ नामक वसु की पत्नी की नजर उस सुंदर नंदिनी गाय पर पड़ी तो वह अपने पति से उस गाय को लाने की जिद करने लगी। पत्नी की जिद देखकर गौ वसु ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वशिष्ठ जी के आश्रम से उस नंदिनी गाय को चुरा लिया। कुछ समय के बाद जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम में आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी घटना जान ली। वसुओं के इस घृणित कार्य को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दे डाला। हे वसुओं, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि तुम्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। यह श्राप सुनकर सभी वसु बहुत भयभीत हो गए और महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगने लगे। उनके बार बार क्षमा मांगने पर वशिष्ठ जी द्रवित हो गए और उन्होंने बाकी सभी वसुओं को क्षमा कर दिया और कहा, हे वसुओं, तुम सबका मनुष्य रूप में धरती पर जन्म अवश्य होगा, लेकिन जन्म लेते ही तुम्हें मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गौ वसु को धरती पर लंबे समय तक रहना होगा और मनुष्य रूप में उन्हें धरती पर कई प्रकार के दुख भोगने होंगे। और तब इसी श्राप के कारण गौ नामक वसु ने भीष्म पितामह के रूप में धरती पर जन्म लिया। श्राप के प्रभाव के कारण वह लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे और धरती पर उन्होंने कई प्रकार के दुख भोगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने। महाभारत के युद्ध में 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। तब श्री अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह से युद्ध करने लगे। शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन्हें बीध दिया। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्य अस्त के समय रथ से नीचे गिर पड़े। उनके पूरे शरीर में बाण आर पार हो रहे थे, इसलिए उनका शरीर बाणों पर टिक कर धरती के ऊपर ही अड़ा रहा। तब भीष्म पितामह ने अर्जुन से बाण से अपने सिर के नीचे सहारा लगाने को कहा। तब अर्जुन ने तीन बाणों से उनका सिर उन बाणों की नोक पर रख कर तकिया बना दिया। कुछ समय के बाद सभी पांडव तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुँचे। तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह असहनीय दर्द से तड़प रहे थे। ऐसे में पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलवाया। कृष्ण उनके पास आए तो पितामह ने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मैं अपने किस पाप कर्म के कारण नुकीले तीरों से बनी इस शैया पर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद है? पितामह बोले, हे मधुसूदन, मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद है और इन 100 जन्मों में
मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, यह सत्य है पितामह कि पिछले 100 जन्मों में आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यह घटना आपकी 101वें जन्म की है। उस जन्म में आप एक युवराज थे और एक बार जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में चलते चलते जब आप थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी पेड़ के ऊपर से एक करकेंटा आपके घोड़े की गर्दन पर आ गिरा। आपने उस करकेंटे को अपने तीर से उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकेंटा पीछे बेर की कंटीली टहनी पर पीठ के बल जा गिरा। बेर के नुकीले कांटे उसकी पीठ में घस गए थे। बेचारा करकेंटा कांटों से निकलने की जितनी कोशिश करता, कांटे उसे उतना ही कष्ट देते थे। वह करकेंटा 18 दिन तक उसी कंटीली टहनी पर तड़पता रहा और उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी पाप की सजा आपको आज प्राप्त हुई है, श्री कृष्ण ने कहा। हे पितामह, आपके पुण्य कर्म इतने ज्यादा प्रबल थे कि आपका यह पाप आज तक फलित नहीं हो पा रहा था। तब पितामह ने पूछा, हे कृष्ण, फिर आज मेरा यह पाप फलित कैसे हो गया? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पितामह, जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब आप द्रौपदी की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आपके इस पाप कर्म के कारण आपका पिछले 100 जन्मों का सारा पुण्य समाप्त हो गया और आपके 101वें जन्म का वह करकेंटे वाला पाप फलित हो गया। और इसी पाप के कारण करकेंटे की तरह आज आप भी तीरों की इस शैया पर तड़प रहे हैं। हे पितामह, कर्मों का फल कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है, इसलिए मनुष्य को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण खामोश हो गए। श्री कृष्ण का उत्तर सुनकर पितामह की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। भीष्म पितामह को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हुआ था, लेकिन वह सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने प्राण त्यागना चाहते थे, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने से आत्मा को सदगति प्राप्त होती है। और जब कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उत्तरायण हो गए, तब अपनी मृत्यु का सही समय जानकर पितामह ने अपने मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तब पितामह ने अपनी देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक लिया तथा उनके प्राण आकाश में विलीन हो गए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।